इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जा रहा है। ये 14 से 27 नवंबर 2021 तक चलेगा। कोरोना के कारण पिछले साल ट्रेड फेयर का आयोजन नहीं किया गया था और इस बार भी काफी सावधानी और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मेले का आयोजन किया गया है। वी आर रिप्रेजेंटिंग स्टर्लिंग परफ्यूम्स दुबई। तो हमने यहाँ कॉस्मो कॉस्मेटिक्स ब्रांड में हमने पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें सल्फेट फ्री शैम्पू है, स्क्रब्स हैं, फेस स्क्रब एंड बॉडी स्क्रब्स हैं, बॉडी लोशंस हैं, पूरी पर्सनल केयर रेंज है जो कि बहुत क्वालिटी स्टफ़ है। आज हमारे देश में या पूरे विश्व में पर्यावरण के प्रति लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं और इसी संदर्भ में हमने एक स्टार्ट करा 2005 में, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो रोड पे किसी एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ने अपने BMW गाड़ी से उसको नीचे फेंका और उसको हमने कलेक्ट किया वहाँ से, और दिमाग में आया कि क्यों नहीं इस बोतल को हम एक नया आकार दे सकें, एक नया रूप दे सकें, ताकि ये मार्केट में दोबारा फिर इन्हीं पैसे वालों के पास पहुँचे। जो आने वाला युग है वो इन चीज़ों को भूल चुका है, मिट्टी के बर्तनों को। पहले के जो लोग यूज करा करते थे मिट्टी के बर्तन, बीमार नहीं पड़ते थे। आजकल बीमारियां बहुत चल रही हैं काफ़ी, एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम, ये सब। तो हम चाहते हैं कि मतलब जो आने वाला फ्यूचर है ना, वो फिर से इनको यूज करें। जैसे ये मिट्टी बर्तन कप हो गए, जार्स हो गई हैं, ये प्लेट हैं, इनमें कढ़ाई भी आते हैं और काफ़ी सारे आइटम आते हैं, तो हम उनको यूज कराने जाते हैं पब्लिक को। मेरे पास है बंदर बार है और अनुपमा जो बैग चल रही है अभी, सुपर अनुपमा ने जो सीरियल आती है ना, उसमें अनुपमा लेडी ने वो लगाया वाला बैग है, ये वाला बैग है जो अभी आजकल लोकप्रिय है, ये वाला बैग। ये गुजरात का बंदर बार है जो डोर पे लगा सकते हो आप, डोर पे लगाओ, शादी में लगाओ, नवरात्रि में लगाओ, दुर्गा पूजा में भी लगा सकते हो, अच्छा रिस्पॉन्स है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में इस बार विदेशी भागीदारी काफ़ी कम है। केवल 9 देशों की ही 40 कंपनियां इस बार मेले में भाग ले रही हैं। फेयर में 25 राज्यों के औद्योगिक विकास, क्राफ्ट, हथकरघा और लोक संस्कृति के कार्यक्रमों को देखने का मौका मिलेगा। ट्रेड फेयर में ग्रामीण उद्योग में हथकरघा और क्राफ्ट के सामान यहां देखने को मिलेंगे। खासकर इन क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान पर विशेष फोकस किया गया है। सरस, हुनर, KYC, DC और MSME के पवेलियन आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हुनर हाट में विभिन्न राज्यों के पुरस्कृत कलाकारों के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिसमें से 285 स्टॉलों में से 65 स्टॉल महिलाओं ने लगाए हैं। मैं वेस्ट मैनेजमेंट में काम करती हूँ, मंदिर के फूलों को रिसाइकल करके ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हम गुड़गावा में काम करते हैं और वहाँ के 24-25 मंदिरों से फूल इकट्ठा करते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो सारा जो फूल चढ़ता है वो या तो कूड़ा घर में चला जाता है या नदियों में चला जाता है। हम अपनी नदियों को बचाने के लिए और अपने फूलों को, भगवान को जो हम चढ़ाते हैं, उसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि उसे हम कभी कूड़े में नहीं फेंकते, तो उसे भी हम बचाते हैं। तो ये हम काम कर रहे हैं, इससे हमने जो पीसेस बनाए मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये हमारी धूप स्टिक्स हमने बनाई है, ये मंदिर के चढ़े हुए फूलों से बनाई गई है। इसमें 16 तरह की जड़ी बूटियाँ हम मिलाते हैं और ये टोटल हैंडमेड है। ये इसका स्टैंड है सर, ये भी फूलों से ही बनाया गया है। आफ्टर यूज कितनी कॉस्ट आती है इनकी? सर ये 120 रुपए का पैकेट होता है पूरा, जिसमें 30 धूप बत्ती होती है और एक स्टैंड होता है। और इस स्टैंड का भी ये है सर कि जब आपका ये बॉक्स खत्म हो जाएगा तो ये खाद में बदल जाएगा। जी आप देख सकते हैं ये लकड़ी है। अब इसको मतलब हवन सामग्री में क्रिया में करेंगे, इसकी अच्छी से स्मेल आती है जो आपको पॉजिटिव वेव्स देते हैं। और ये देख सकते हैं आप, इसका स्पेशल ये, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिक्स है। इसमें लकड़ी हो गया, मसाले, मतलब जो हवन सामग्री है उसकी अलग अलग क्रिया होती है, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ये स्पेशल है इसका, इसको बोलते हैं फ्रंट डोर, यानी जब आप किसी घर का निर्माण करते हैं उसके लिए इसको लगाया जाता है, और इसको भी हम हवन सामग्री के ही बोलते हैं। इसके साथ ही कैदियों के हाथ से बनाई गई कई चीज़ें ट्रेड फेयर में मौजूद हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इनमेंट्स जो अंदर जो बंद हैं उनका बनाया हुआ है ये प्रोडक्ट,
और जो हमारी जेल नंबर दो में हमारी फैक्ट्री है, जैसे 5-6 प्रकार की हमारी यूनिटें हैं, कारपेंट्री है, मस्टर्ड ऑयल है, वीविंग है और पेपर यूनिट है। ये जितना भी आप देख रहे हो स्टॉल के अंदर, ये सारा इन्वेंट्स का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। अच्छा सर, एक चीज़ और थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे दिखा रखा है कि आप बेकरी का भी सामान है, मस्टर्ड ऑयल भी है और इसके साथ साथ वुलन का भी कुछ सेगमेंट है, वीविंग का सेगमेंट है, तो सर जी जूट है, तो सर इस तरीके की जो तमाम चीज़ें हैं ये कैसे पॉसिबल होता है? एक कैदी जो होते हैं वो वहाँ पे किस तरीके से बना पाते हैं इन सब चीज़ों को? क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए? हमारे मास्टर जो होते हैं बाहर से आते हैं उनको सिखाने के लिए, और हमारा डिपार्टमेंट भी होता है जो कुछ बाहर से भी इनमेंट से जो सीखे हुए होते हैं, वो जो नहीं सीखे हुए थे उनको सिखाते हैं। तो सर एक बार थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर सामने? ये हैंड वॉश है जी, ये देख सकते हैं हैंड वॉश है, एंटी बैक्टीरिया हैंड वॉश है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल है, ये मस्टर्ड ऑयल है, वेरी गुड, ये भी बनाया जाता है। देखिए लिखा भी है तिहाड़ जेल फैक्ट्री, तिहाड़ जेल की फैक्ट्री से बना हुआ है। हमारे ये मसाले हैं, मसाले हैं, तो काफ़ी एक बड़ी रेंज जो है वो आप इस वक्त सामने देख सकते हैं, हमारे सामने मौजूद है। और जी और सामने पेंटिंग्स भी आप देख सकते हैं, पेंटिंग्स भी बड़ी खूबसूरत हैं। चौदह दिनों का ये ट्रेड फेयर 27 नवंबर तक चलेगा। 2019 के बाद 2020 में ये ट्रेड फेयर लगा है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन हर साल इस मेले का आयोजन करता है। पिछले साल कोविड-19 के चलते ट्रेड फेयर का आयोजन नहीं हो सका था। ट्रेड फेयर एक व्यापक गतिविधि है। इस बार मेले की थीम है आत्मनिर्भर भारत। इस बार ट्रेड फेयर में देश और विदेश के कई व्यापारियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। ये मेला प्रगति मैदान के 70,000 वर्ग मीटर क्षेत्र के 4 नए हॉल में लगा हुआ है। विदेश के प्रतिभागी देशों में अफगानिस्तान, टर्की जैसे देश मौजूद हैं। हर कोई चाहता है उसका घर बिल्कुल अलग नजर आए। कुछ अलग दिखने के लिए आप घर को एंटीक लुक दे सकते हैं। अगर आप अपने घर को एंटीक चीजों से सजाना चाहते हैं तो ट्रेड फेयर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहां आपको घर की साज सजावट से लेकर एंटीक चीजें देखने को मिल जाएंगी। इस बार अफगानिस्तान और टर्की जैसे देशों का एंटीक सामान आप अपने बजट के अनुसार ले सकते हैं। यहाँ के टर्की स्टॉल में आपको हाथ से बनी एक से एक बढ़कर चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ खूबसूरत ब्लाउज सेट से लेकर छोटे हाथी, अलादीन का चिराग और गजब की नक्काशी वाली फ्लावर पॉट जैसे कई आइटम देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह अफगानिस्तान की एक स्टॉल में आपको एनॉक्स स्टोन से बनी कई खूबसूरत चीजें देखने को मिलेंगी। ये ऐसे एंटिक सामान है जो शायद ही आपको आसानी से देखने को मिले। पेट्रोल, डीजल, CNG, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का चलन अब भारत में हल्के हल्के बढ़ने लगा है। आप ट्रेड फेयर में भी देख सकते हैं, हमारे सामने टाटा नेक्सॉन की इलेक्ट्रिकल व्हीकल खड़ा है। और बात करेंगे इसकी परफॉर्मेंस की, इसकी बिल्ड क्वालिटी की, और सबसे बड़ी बात कि चार्जिंग कैसे मिलेगी लोगों को? इसके चार्जिंग करने में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, आप घर पर भी चार्ज कर सकते हो। थोड़ा सा नॉर्मल जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई होती है सर, उसके एक्चुअली क्या आर्थिंग उसमें भी चाहिए होता है, लेकिन EV चार्ज करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आर्थिंग चाहिए होता है। नॉर्मली वही है 30 एम्पेयर के जो प्लग है जिसमें हम AC वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें उसी प्लग में भी ये भी चार्ज हो सकता है, बशर्ते कि आपके घर के आर्थिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो बस। एक कस्टमर भी हमारे साथ यहाँ पर हैं जो गाड़ी को देखने आए हैं, तो आपको ये गाड़ी कैसी लगी? जैसे दिल्ली में प्रदूषण देख रहे हैं, इस प्रदूषण को देखते हुए ये गाड़ी तो हमें बढ़िया लग रहा सर। बिल्कुल, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है और आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की काफ़ी ज़्यादा मांग जो है वो देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी ये डिस्प्ले की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आकर्षित हों। चलिए आपको दिखाते हैं J&K सेक्शन में किस किस तरीके की नई नई चीज़ें हैं। हमने अक्सर देखा है कि जो मंदिरों में या फिर मस्जिदों में हम फूल चढ़ाते हैं उनकी बेकदरी होती है, वो जहाँ तहाँ पड़े रहते हैं, लेकिन उन्हीं फूल का इस्तेमाल करके बहुत खूबसूरत चीज़ें हमारे सामने आप देख सकते हैं बनी हुई हैं। छोटे छोटे गणेश जी हैं, दिए हैं, इसके साथ साथ और डिग्निटीज़ हैं कई सारी बनी हुई हैं यहाँ पर, बहुत खूबसूरत तरीके के। ये शायद ये पद चिन्ह है लक्ष्मी माता के जी।
चलिए अब इनसे पूछ भी लेते हैं मैम से कि क्या क्या चीज़ें हैं और मैम किस तरीके से इनको बनाया गया है। नमस्कार सर, मेरा नाम पूनम सहरावत है और मैं वेस्ट मैनेजमेंट में काम करती हूँ। मंदिर के फूलों को रिसाइकल करके ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हम गुड़गावा में काम करते हैं और वहाँ के 24-25 मंदिरों से फूल इकट्ठा करते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो सारा जो फूल चढ़ता है वो या तो कूड़ा घर में चला जाता है या नदियों में चला जाता है। हम अपनी नदियों को बचाने के लिए और अपने फूलों को भगवान को जो हम चढ़ाते हैं उसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि उसे हम कभी कूड़े में नहीं फेंकते, तो उसे भी हम बचाते हैं। तो ये हम काम कर रहे हैं, इससे हमने जो पीसेस बनाए मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये हमारी धूप स्टिक्स हमने बनाई हैं, ये मंदिर के चढ़े हुए फूलों से बनाई गई है। इसमें 16 तरह की जड़ी बूटियाँ हम मिलाते हैं और ये टोटल हैंडमेड है। ये इसका स्टैंड है सर, ये भी फूलों से ही बनाया गया है। आफ्टर यूज़ कितनी कॉस्ट आती है इनकी? सर ये 120 रुपये का पैकेट होता है पूरा, जिसमें 30 धूप बत्ती होती है और एक स्टैंड होता है। और इस स्टैंड का भी ये है सर कि जब आपका ये बॉक्स ख़त्म हो जाएगा तो ये खाद में बदल जाएगा, आपको कूड़े में नहीं फेंकना, आप अपने घर के गमले में मिट्टी में कहीं भी डाल दीजिए। इसी तरीके से हर हमने ये दिए बनाए हैं, ये दिए हमने फूलों से ही बनाए हैं और आप ये इको फ्रेंडली दियाज हैं, जब ये यूज़ हो जाएंगे तो उसके बाद ये भी खाद में बदल जाएंगे। इसी तरह सर हमने गणेश जी बनाए हैं और ये शुभ लाभ है, ओम स्वास्ति का डेकोरेटिव। बेसिकली सर हम लोग आजकल क्या करते हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्लास्टिक के बने हुए स्वास्तिक ओम खरीदते हैं, अपने घरों में लगाते हैं, जब उसे हम उतार के फेंकते हैं तो वो प्लास्टिक जो है वो कभी भी डीकम्पोज नहीं होता। उसका एक अल्टरनेट दिया कि आप अपने घर के बाहर सुंदर सा ओम स्वास्तिक लगाएं और कभी भी आप इसे जब उतारेंगे चेंज करना चाहेंगे तो सर ये खाद में बदल जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से माता पे जो चुनिया चढ़ रही थी उससे हमने ये छोटे छोटे पाउचेस बना दिए। कोई हमसे ये परचेज करता है तो हम इसको पैक करके इसके अंदर दे देते हैं, क्योंकि सर माता पे जो चुनिया चढ़ रही थी वो भी बहुत सारी वेस्ट हो रही थी, उसे भी हमने रिसाइकल कर दिया है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से मैं हम गुड़गावा में तो काम कर ही रहे हैं सर, जम्मू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने हमें एज ए स्टार्टअप सेलेक्ट किया है और हम अभी तक 500 से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुके हैं ताकि वो अपना खुद का रोज़गार शुरू कर सके। तो हम आत्मनिर्भर भारत को जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको हम छोटा सा एक योगदान दे रहे हैं और अपने पर्यावरण को भी बचा रहे हैं। आप अगर पर्यावरण को बचा सकते हैं तो आप भी ट्रेड फेयर आ सकते हैं और इस तरह की तमाम चीज़ें जो खूबसूरत हैं, जो आपके पर्यावरण को भी सुरक्षित करती हैं, आपके इकोसिस्टम को भी हेल्दी रखती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ नितिन शर्मा, सिटी नेटवर्क दिल्ली।